अगर एक पुलिस ऑफिसर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो एक कलेक्टर भी नहीं करेगा। अगर एक लॉयर में सच्चाई नहीं रहेगी तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी सच्चा नहीं होगा। और इस देश में फैले सारे करप्शन की सिर्फ एक ही वजह है, ऐसे गद्दार राजनेताओं का करप्ट होना। पेपर खरीद लिए जाते हैं, चैनल खरीद लिए जाते हैं, क्या सच है और क्या झूठ इसका पता देश की जनता को चलता ही नहीं है। भारत माता अपनी भलाई के लिए 5 साल में एक बार सबको मौका देती है, वो क्या है पता है? इलेक्शंस। लेकिन वो मौका भी व्यापार बन गया है, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार। और इसकी वजह कोई और नहीं, हम हैं, हम सभी हैं। हम अपनी जिंदगी में खुशी से रहने के लिए बहुत सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे, मैरिज डे, मदर्स डे, फादर्स डे, लवर्स डे, फ्रेंडशिप डे, एड्स डे, यहाँ तक कि लोग अपने डॉगीज का भी बर्थडे मनाते हैं। लेकिन क्या इस देश की सेवा के लिए किसी के पास कोई एक दिन है क्या? नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है? पंद्रह अगस्त, 2 अक्टूबर रिपब्लिक डे के दिन भी सिर्फ छुट्टी मनाने के दिन रह गए हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स पर मैसेज भेजकर उस दिन की खुशियों को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। नहीं, आगे से ऐसा मत करो। देश की सेवा के लिए कम से कम एक दिन निकालो, जिसे क्वेश्चनिंग डे का नाम दो। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, जब हम मीडिया से, नेताओं से, सिस्टम से सवाल पूछेंगे, तो ये देश मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे। अरे कब तक बेचते रहोगे धर्म के लिए, पद के लिए, पॉलिसी के लिए, साड़ी के लिए, नोट के लिए, बियर और बिरयानी के लिए अपने कीमती वोट को? ये धंधा बंद करो। इस बार किसी को भी वोट देने से पहले इस देश के झंडे को जरूर याद कर लेना, अपने बच्चों के भविष्य, इस देश के भविष्य को याद कर लेना। तभी तुम्हारा वोट एक सही पार्टी को जाएगा और सच्चे और ईमानदार नेता आएंगे। हमारी जिंदगियां बदलेंगी और ये देश तेजी से तरक्की करेगा। सारे संसार में मेरा भारत महान कहलाएगा। एक बात और सुन लो, वोट तुम्हारा हक है। अगर इस वोट को जिम्मेदारी से नहीं डाला तो भारत देश में ही नहीं, इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं। जय हिंद।